हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारी मदर्स डे की टिप्स देने वाली हूँ, जिससे कि आप लॉकडाउन में भी अपनी मम्मा के साथ बहुत अच्छे अच्छे मजे कर सके और उनको पैम्पर कर सके, बिकॉज आवर मॉम नीड्स दैट। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको एक छोटी सी बैक स्टोरी देना चाहूंगी। मैं गुड़गांव में जॉब करती थी एंड माय पेरेंट्स यूज्ड टू लिव 50 किलोमीटर्स एंड आई वाज वर्किंग इवन ऑन वीकेंड्स। तो मेरे कोई वीकेंड्स ऑफ नहीं होते थे, यूजुअली वीकडेज ऑफ होते थे या फिर मतलब ऐसा ही था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं सोई भी नहीं होती थी, आई यूज टू गो देयर एंड मेक श्योर कि मैं सेलिब्रेट करूं। नॉट बिकॉज कि मेरे को मतलब कुछ प्रूव करना था या कुछ, बट आई वॉन्टेड टू यू नो एक्सप्रेस माई लव टूवर्ड्स देम, बिकॉज समवेयर आई वॉज मिसिंग आउट कि यार मैं अपनी लाइफ का इतना मेजर चंक अकेले बिता रही हूँ विदाउट माई पेरेंट्स। तो वो मेरा वे था कॉम्पनसेट करने का। कोविड पॉजिटिव थी अभी 14-15 दिन पहले तक। नाउ आई फील कि दिस टाइम मतलब इस अभी ये जो 2-3 महीने हैं, इसमें मेजर मेरे फैमिली के ओकेजन्स आने वाले हैं, जैसे मेरी मॉम का बर्थडे, मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी, मदर्स डे। तो आई एम समवेयर फीलिंग कि यार ये सब चीजें इस साल मैं नहीं कर पाऊंगी, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट टू। अभी सबकी हेल्थ ज्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर आर सेलिब्रेशन, बट दैट डज नॉट मीन कि हम छोटे छोटे मोमेंट्स घर पे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इफ यू आर थिंकिंग कि यार Amazon कुछ डिलीवर नहीं कर रहा है, नायका से ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, घर पे सामान नहीं है, यू नॉट इवन हैव स्टेशनरी, वॉट डू आई मेक फॉर माई मदर, वेल दिस वीडियो इज फॉर यू। पूरी देखना क्योंकि मैं छोटी रखने वाली हूँ। आई होप आपको इससे कुछ आइडिया मिले। अगर आपने मम्मी के लिए इस वीडियो से देखकर या इस वीडियो की हेल्प लेकर कुछ भी करो, तो मेक श्योर यू टैग मी ऑन Instagram या फिर कमेंट करके बताओ अगर आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज हैं जो मैं दूर से बैठे बैठे अपनी मम्मी के लिए कर सकती हूँ। तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट करके बताना, आई विल बी ग्रेटफुल। फर्स्ट चीज जो आप अपनी मम्मी के लिए कर सकते हो, आई नो सब मॉम्स डिफरेंट होती है, सब मॉम्स के टेस्ट डिफरेंट होते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स अलग होते हैं, बट एक चीज जो हर मम्मी अपने बच्चे से चाहती है वो ये है कि उनकी हेल्प करना। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर मॉम इज हेल्प हर इन हाउस होल्ड के काम। अगर आपकी मम्मी को एक चाय का कप या एक कॉफी का कप आप पिला सकते हो, तो प्लीज पिलाओ उनके मांगने से पहले। यस, यही एक चीज है जो आप कर सकते हो जिससे उनको खुशी भी मिलेगी और वो ये आपसे जरूर पूछेगी, आज ऐसा क्या स्पेशल डिनर जो तू मेरे लिए ये कर रहा है या ये कर रही है। तो प्लीज मेक श्योर यू डू समथिंग फॉर योर मॉम टूडे, उनको हेल्प करो, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, मदर्स डे हो चाहे कुछ भी हो, मम्मियां काम तो कर ही रही होती है। तो मेक श्योर यू प्लीज ट्राई एंड हेल्प हर एटलीस्ट ऑन दिस डे। वैसे तो हमें रोज ही करना चाहिए, बट एटलीस्ट ऑन दिस डे मेक हर फील स्पेशल बिकॉज शी डिजर्व्स दिस मच। सेकंड पॉइंट, याद है जब हम छोटे में मम्मी के लिए कार्ड्स बनाते थे और स्केचेस बनाते थे, बहुत अगली लुकिंग भी होते थे वो, बट उनको बहुत पसंद आते थे। तो प्लीज एक नॉर्मल सा यार एक रूल शीट वाला, वो गंदा वाला कागज ही निकाल लो, उसमें एक प्यारा सा नोट लिखो अपनी मम्मी के लिए। आई एम नॉट टेलिंग यू गाइज कि पूरे पूरे बैठ के स्केच करो, बिकॉज आई नो वी कैन नॉट डू दैट, और अब तो वो अगली लुकिंग स्केचेस आगे देने में भी बहुत अजीब लगेंगे। बट या यू कैन ऑलवेज राइट अ नोट टू योर मॉम एक्सप्रेसिंग वॉट यू फील फॉर हर। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आई नो सबके लिए अपनी फीलिंग्स लिखना भी बहुत ईजी काम नहीं होता, तो अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, तो हैज अ टिप फॉर यू, जस्ट राइट अ गुड ओल्ड सिंपल आई लव यू एंड थैंक यू। हम कितनी बार भी उनको थैंक यू बोल ले, वो चीज वो कम ही पड़ेगी। तो आई थिंक दी स्पेशल डेज शुड बी यूज टू एक्सप्रेस योर लव टू देम मोर देन गिफ्ट्स एंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स। आई थिंक आर पेरेंट्स नीड लव फ्रॉम अस, और उनको वो सब चीजें, उनको आपका थॉट काउंट करता है रादर आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें। बट आई ऑलवेज बिलीव दैट हैंड रिटन नोट्स अलग ही होते हैं, क्योंकि वो आपके दिल से होते हैं, तो आपकी फीलिंग्स ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। नंबर 3, रिक्रिएट योर ओल्ड पिक्चर्स विद योर मॉम। आई एम श्योर वो इतनी मोटी मोटी एल्बम्स में हजारों पिक्चर्स होंगी आपकी और आपकी मम्मा की, एक पिक्चर उठाओ और रिक्रिएट करो। बट प्लीज वो वाली मत करना जिसमें उन्होंने आपको गोदी में उठाया हुआ, बिकॉज आई एम डैम श्योर शी वोंट बी एबल टू डू दैट। तो या रिक्रिएट योर ओल्ड पिक्चर एंड टैग हर ऑन दैट। आई मीन इफ शी इज ऑन सोशल मीडिया, विच आई एम श्योर शी मस्ट बी, अगर नहीं भी है तो व्हाट्सएप तो पक्का यूज कर रही होगी यार, व्हाट्सएप कर दो उनको वो फोटो। आई एम प्रिटी श्योर यू ऑल नो हाउ टू मेक कॉलेज, तो एक साइड अपनी पुरानी फोटो लगाओ, एक साइड नई फोटो लगाओ, और उसके नीचे एक
छोटा सा नोट लिख दो, हैप्पी मदर्स डे, टाइम मे चेंज बट योर लव रिमेन्स द सेम, बस इतना सा लिख दो एंड आई एम श्योर शी विल स्माइल, एक प्यारी सी स्माइल उनके फेस पे आ जाएगी और आपका मदर्स डे बिना पैसे खर्च करे भी अच्छा बन जाएगा. फोर्थ पॉइंट, यू कैन ऑलवेज कुक समथिंग फॉर हर, जैसे कि एक मील बना दो उनके लिए, या यू कैन ऑल्सो वॉच मूवीज टुगेदर. अपनी मम्मी से पूछो कि उनको कौन सी मूवी अपने बचपन में पसंद थी और ढूंढो किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में, आई एम डैम श्योर वो मिल जाएगी, और उनके साथ देखो और समझो कि उन्हें वो मूवी क्यों पसंद है. आई थिंक हम बच्चे अपने बारे में जितना अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा उन्हें ऑलरेडी पता होता है, बट क्या हम भी अपने पेरेंट्स को उतने अच्छे से जानते हैं? आई एम श्योर कि हम उनका पेरेंट्स वाला साइड शुरू से ही जानते होते हैं क्योंकि बचपन से ही हम देख के आ रहे होते हैं, बट क्या हमें ये पता होता है कि हमारी मॉम एज अ वुमन वो कौन है? आई मीन व्हाट शी लाइक्स, व्हाट शी डिसलाइक्स, उनकी अपनी पसंद क्या है? दिस मदर्स डे आई एम इंकरेजिंग यू ऑल टू नो योर मॉम फॉर हु शी इज. आपकी मम्मा है, आपको सबको पता है, बट एक आपकी मम्मी होने से पहले भी वो कोई थी, वो जानने की कोशिश करो. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको एक फ्रेंड मिलेगा को जिसके साथ रहने में, बातें करने में, अपनी बातें शेयर करने में बहुत मजा आएगा. द फिफ्थ पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना, चाहे और कुछ करो या ना करो, अपनी मम्मी को जाके एक टाइट सा हक करो और उनको बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो. और आई एम श्योर अगर वो एक टिपिकल इंडियन मॉम है तो वो जरूर रो देंगी, क्योंकि हम बच्चे, आज के जेनरेशन के बच्चे, यार हम कहाँ ही मम्मी और पापा को हक करते हैं. आई मीन आजकल के शायद फिर भी करते हो जो बहुत छोटे छोटे हैं क्योंकि दे आर लाइक जेन जी, बट हम 90s के बच्चे तो आई एम प्रिटी श्योर कभी ये सब चीजें नहीं कर सकते क्योंकि हमें शर्म आती है. टू बी रियली ऑनेस्ट, इफ आई कैन बी कैंडिड विद यू ऑल, हमें अपने मॉम डैड को आई लव यू बोलने में, हक करने में और एक्सप्रेस करने में अपना प्यार शर्म आती है. हम गिफ्ट्स दे देंगे, हम उनके लिए सरप्राइज पार्टीज थ्रो कर देंगे, हम केक्स ऑर्डर कर देंगे, बट जब एक हक करने की, किस करने की बात आती है तो वी कैन नॉट डू दैट, बिकॉज आई थिंक हमारी इंडियन अपब्रिंगिंग में ही इस तरीके से है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम थोड़े से डिस्टेंट होते जाते हैं अपना लव शो करने के लिए. अगर मुझे भी एकदम से बोल दिया जाए कि मुझे जाकर अपनी मम्मी को हक करना है तो मुझे भी लगेगा कि यार आई मीन आई कैन डू दैट, ऑब्वियसली आई कैन डू दैट. आई होप यू नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. तो अगर आपने बहुत दिनों से अपनी मम्मी को हक नहीं किया है तो जाके अभी करो, मतलब मेरी वीडियो पॉज करो, अगर हो सके तो एक लाइक करते करते जाना और अपनी मम्मी को हक करके कराओ. मदर्स आर सो स्पेशल दैट दे शुड बी सेलिब्रेटेड एवरी डे, बट अगर हमने उनको एक दिन दिया हुआ है जिसपे हम उनको बहुत अच्छे से पैम्पर कर सकते हैं तो प्लीज करना. डोंट लेट दिस वायरस ब्रिंग योर होप्स डाउन. योर मॉम इज द मोस्ट स्पेशल पर्सन, आई नो उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, एंड इवन यू नो दैट. सो गो मेक दैट वुमन स्माइल और अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दो. और वीडियो आपको पसंद आई और आप मुझसे कनेक्ट कर पाए हो, कहीं पर भी लगाओ कि मेरी और आपकी फीलिंग्स मिलती हैं, तो प्लीज कॉमेंट करके बताना कि ऐसी कौन सी बात मैंने बोली जो आप भी अपनी मम्मा के बारे में सोचते हो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करो. ऑन दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, चेक आउट ऑल माई वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई मेक वेरी ऑसम कॉन्टेंट ऑन ऑल माई सोशल्स, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड स्नैपचैट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. बाय.